समझ आएगा। वो रास्ता भी अपन नहीं चुना है। हाँ वो रास्ता भी अपन नहीं चुना है। हाँ तो वो चलना तो पड़ेगा। कंप्लेन नहीं कर सकते अपन, बराबर है। ये लव मैरिज अपने की तरह है। लव मैरिज की तरह है। सही सही पॉइंट है, बहुत सही पॉइंट है, बहुत सही पॉइंट था भाई। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट, पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 1। ये जो पॉडकास्ट है ना दोस्तों, ये बड़ा ही मजेदार होने वाला है, तहलका होने वाला है भैया, एनर्जी से भरा हुआ होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आज पॉडकास्ट में हमारे एपिसोड नंबर 1 के जो गेस्ट है वो भाई मेरे भाई की तरह है, इज लाइक ब्रदर टू मी फ्रॉम अनदर मदर। भाई का नाम है सुमेर भाई, जो अभी हमारे सामने आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुमेर भाई थैंक्स अलॉट पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे कुछ आपसे जो भी सवाल पूछे जाने वाले हैं, मुझे पता है आप भैया बड़ा दिल खोल के जवाब देने वाले हैं, और जो भी आपके जवाब होंगे वो सारे के सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। एकेडमिकली तो आपने संभाल रखा है, एकेडमिकली तो भैया आप दिला ही देते हो, भैया पास तो करवा ही देते हो, लेकिन बहुत सारे और एस्पेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के लाइफ में जिनके बारे में अपन आज बात करेंगे। थोड़ा सा आपके जो पहलू है, आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो विचार हैं, वो थोड़ा सा हम लोग इस पॉडकास्ट के जरिए जो है हमारे स्टूडेंट्स तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आर यू रेडी? सवालों की झड़ी लगने वाली है। आई एम रियली एक्साइटेड, और मैं कसम से कह रहा हूँ श्रीधर भाई, मैं फैन भी हूँ तुम्हारा। अरे नहीं नहीं कसम से कह रहा हूँ, मेरे को ना लाइक तुम्हारा काम बहुत पसंद आता है और तुम बहुत सही काम करते हो। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। अपन मिलके यार अपना देखो कैसा है कि अपने टाइम जो प्रॉब्लम फेस हुई थी, अपना सपना वही था कि यार अपने लोगों को प्रॉब्लम फेस ना हो, समझ रहे हो यार? अपन वही नहीं, बिल्कुल वो वाले लोग नहीं है ना यार जो आगे के चार बैठते थे, अपन तो पीछे वाले 40 लोगों में से। तो अपने ख्याल भी उनके जैसे यार, पीछे वाले 40 लोगों का क्या करने का, आगे के चार तो ऐसे भी कर लेते हैं यार। अपन वो है यार कि पीछे वाले 40 लोगों को किस तरह से मतलब क्या जुगाड़ बिठाए लोगों, और ये कि वो क्या करते हैं ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही अभी यहाँ पे आपने सिखाने की बात की, तो उससे जुड़ा हुआ मेरा जो पहला सवाल है आपके लिए है कि आपके लाइफ में ऐसा वो कौन सा पल था, ऐसा कौन सा वो क्षण था, ऐसा कौन सा मूवमेंट था जब आपको लगा कि भाई मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, तो वो ऐसा कोई वाकया आपके लाइफ का, वो पल, वो आप मूवमेंट शेयर करना चाहोगे? मेरा जो मतलब टीचिंग का जो है वो मैंने मतलब ऑलमोस्ट एक अपन ने संदीप महेश्वरी का वीडियो देख लिया, अपन हो गए मोटिवेट। मैं यार मतलब कुछ भी कर रहा था यार, कुछ बकचोदी कर रहा था, मैं अपना यूट्यूब पे सर्च कर रहा था रैंडमली, मेरे को संदीप महेश्वरी का वीडियो आया, मैं ये बात तो बहुत सही कर रहा है। और मैं ना मोटिवेट होके, मेरे यहाँ पे 7th फ्लोर पे कोई एक आंटी रहती है, तो उनकी कुछ उनकी डॉटर थी, उनको ना मतलब 11th में क्या लेना था, साइंस लेना चाहिए कॉमर्स लेना चाहिए, तो मैंने जो भी सुना था ना मोटिवेशन, वो सारा का सारा वहाँ आ गया। मैं बोला यार ये ऐसा ना वैसा ना, आगे तो ऐसा और बहुत कुछ ना बोल दिया उधर। फिर उन्होंने बोला कि आप ही ट्यूशन्स क्यों नहीं ले लेते? तो मैं बोला मैं कहाँ से लूँगा, मतलब मैं अपन 11वीं 12वीं यार कैसे भी पास हुए हम ही जानते हैं, समझ रहे क्या? तो मैं 12वीं के बाद इंजीनियरिंग डोनेशन वाला बंदा हूँ, मैं अपना वो GEE वाला बंदा भी नहीं हूँ। तो वहाँ से वो चीज़ हुई। देखो एक मोटिवेशन देना अलग बात है, एक पढ़ानी एक अलग चीज़ होती है जो अपने को यार, क्योंकि 11वीं 12वीं मैंने कभी की नहीं। अब मैंने 11वीं 12वीं की है लेकिन वो नाम की है, मैं डोनेशन वाला बंदा हूँ, आप समझ रहे हो ना कि अपन वो मैनेजमेंट के थ्रू अंदर गए हैं कि हाँ। तो फिर मैं बोला ठीक है ले लेता हूँ, और फिर मैंने खुद सीखा, क्योंकि अपन इंटरनेट से और हर जगह से पढ़ के सीख लेते, तो वहाँ से मेरी टीचिंग शुरू हुई। बट अगर वो बोल्ड वाली टीचिंग बोलो कि यार मैं पढ़ा सकता हूँ ना, तो वो मेरा एक वाक्य है जहाँ से लास्ट मोमेंट ट्यूशन भी शुरू हुआ। क्या ना मतलब SPCC का वाई, मतलब SPCC करके हम लोग को सब्जेक्ट है जो कंपाइलर डिज़ाइन करके एक सब्जेक्ट होता है, उसका ना असाइनमेंट हुआ था। अरे मतलब असाइनमेंट सर देते थे हमें, तो मैं अपन ढीले इंसान, अपन सुबह सुबह एक दिन अपने को मिल गया मोबाइल में असाइनमेंट, और मैं फ्री भी था तो मैंने असाइनमेंट फटाक से लिख दिया, और सुबह सुबह जाके मतलब सब सबमिट कर रहे थे, हम भी कर देते। तो सर ने असाइनमेंट लेने का वाइवा पूछ लिया, अरे और असाइनमेंट का कौन वाइवा लेता है, लेकिन ये सर बोलते नहीं मैं लेगा। मैं बोला फिर ठीक है, फिर तो अपन ने दिए, तो अपने को 10 में से 1 भी आंसर नहीं आया, तो उन्होंने समझाया और फिर भगा दिया, बोला बाद में आना पढ़ गया। तो मैं पढ़ के आया तो उन्होंने कुछ और पूछ लिया, वो 10 में से नहीं पूछा। तो ये है 4-5 बार सर ने ना मेरे को भगा दिया, और वो अच्छे भी सर थे, समझ रहे। तो अब मैं यार मेल ईगो तो अपना आप जानते हो, जैसे जाकिर खान ने बोला है कि एटम के 4 टुकड़े करो तो उसका एक टुकड़ा मेल ईगो होता है, एटम सबसे छोटा पार्टी का। तो घर गए यूट्यूब पे सर्च किया कंपाइलर डिजाइन, और तभी ना भाई देख गॉड फादर है कंप्यूटर साइंस के जिसका नाम है रविंद्र बाबू रघु, आप भी जानते हो अपन भी जानते हो, वो इंसान है गॉड फादर।
बिल्कुल बिल्कुल उनके वीडियो अपने जमाने अपने टाइम तो कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ रविंद्र बाबू रघुला के वीडियो देखे और मेरे को मजा आ गया। मैं और मैंने एक घंटा आराम से उनके सारे वीडियोस देख लिया और एक एक घंटे के वीडियोस में सारे देख लिया। मैं बोला यार ये तो क्वालिटी वाली चीज़ है। फिर दूसरे दिन आया और सर ने पूछा, मैं रैप की तरह आंसर दे रहा हूँ, धप 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 था सर बोल रहे, धप 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 था और एकदम फुल। तो अपने को 9 मार्क्स मिले भाई, अपने को 10 नहीं मिले, 10 के लिए आपको फर्स्ट बेंच पे बैठना पड़ता है, फर्स्ट बेंच पे 10 देते भी नहीं हो आपको, वो चाहिए था बना। तो ना फिर क्या हो गया कि अभी ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट की भाई बात, तो 4-5 बच्चे और आए तो सर ने बोला सुमित तू आए वाले, लेकिन सर को पता है इसको सब्जेक्ट आता और अभी असाइनमेंट का वाइवा कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि ले सकता है स्टूडेंट को, उन्होंने वो प्रायोरिटी दी थी, वो मतलब अपॉर्चुनिटी दी। अब ये सामने जब मेरे बंदे आए ना, मतलब ये लोग भी कल वाले सुमेरे जिनको कुछ नहीं आता, पर मैंने भगाया नहीं यार। हाँ ये लोग अपने जैसे यार ब्लैंक, तो मैंने भगाया नहीं यार, मैंने ना पढ़ाया हूँ, क्योंकि ना मेरे को वो चीज़ बहुत प्यार से आती थी। एक ही सब्जेक्ट आता था, मतलब एक टॉपिक, 4 टॉपिक आते, एक सब्जेक्ट भी उतना अच्छे से मैं नहीं कहूँगा, मेरे को ना 4 टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं। और मेरा बैकग्राउंड क्या है पता है, मेरा बैकग्राउंड है कि मैं एक रैपर, तो मुझे स्टोरी टेलिंग, स्टेज फियर वो कुछ नहीं, तो मेरे को मतलब आप समझ रहे हो, मेरे को कहानियाँ बतानी आती है, मेरे को बोलना आता है, और वो जो स्टोरी टेलिंग है और वो लोग ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, वो अपने को पहले से आता है ना, क्योंकि आपने पहले रैप किया हो। तो जब मैंने उनको एक रैपर जब पढ़ा रहा है, तो उसकी एक स्टाइल अलग होती है, उसका एक स्वैग अलग होता है, बोलता आप यार सुन कुछ नहीं यार, कंपाइलर क्या, ये मद्रासी है अगर अपना ये वाला इंसान है, इसको इसमें ट्रांसलेट कर, ट्रांसलेटर होता है कुछ, वो जो समझ रहे क्या, वो जो जिस तरह से अपन पढ़ाते हैं, समझ रहे आप भी किस तरह से कॉन्सेप्ट को जितना मस्त करके दे। मैंने खुद ने यार, मैं खुद भी 2-3 अपने वीडियो बनाने के पहले भी तुम्हारे भी 1-2 वीडियो देख लेता हूँ, बोला यार ये तो मस्त बताया है क्या, किस तरह से चीजों को मैं रेफर करता हूँ खुद से, मैं कह रहा हूँ। तो वो जो इतने कॉम्प्लेक्स चीजों को अपन इतना सिंपल करके बता दिए, तो वहाँ जब मैंने बताया लोगों को मजा आ गया, तो लोग ना मतलब कि अरे यार तो सुपर हो गए, और मेरे को भी बहुत मजा आया। टीचिंग एक ऐसी चीज है ना यार कि मतलब फिर मैंने, मेरे को इतना मजा आने लगा ना कि मैं लोगों को बिठा बिठा के पढ़ाने लगा, तेरे को पढ़ना है नहीं पढ़ना, मेरे को नहीं लेना देना, मैं बिठा बिठा के पढ़ाने लगा। तो वो एक होता है, तो ये यहाँ से मतलब मेरी टीचिंग शुरू हुई कि यार मतलब मजा आने। मतलब ये तकरीबन कौन सा ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब आपके इंजीनियरिंग का कौन, अरे फर्स्ट ईयर की शुरुआत की, हां फर्स्ट ईयर के 5th सेम तक तो मेरे को 5 ओवरऑल केटी लग चुकी थी। ओके तो बीडब्ल्यू और अपने को केटी लगी ईवीएस में, क्योंकि मेरे साथ हो गया था स्कैम। देखो ईवीएस, देखो अरे ईवीएस में केटी लगना ऐसा लग लेना लोगों को बहुत ऐसा बदनामी का काम है, और मेरे को यार मैं क्रिश्चियन कॉलेज में था और मैं मारवाड़ी आदमी है, तो मेरे को ये लोग बोले ईवीएस कौन पढ़ता है, है? तो मैं भी बोला ईवीएस कौन पढ़ता है, अपन मुंह उठा के चले गए। पर हमको तो जनरल नॉलेज भी नहीं है ना कि पॉल्यूशन का, इसका उसका, वो एक हिसाब होता है भाई जो पता नहीं है, क्रिश्चियन कॉलेज के बंदे कर लेते, अपन नहीं कर पाते। अपन तो यार मतलब कि अपनी यहाँ का अलग हिसाब है, अपन अलग जगह से आते हैं, तो मैं फेल हो गया। अच्छा पूरा क्या मचा दिया आपने, आपकी भाषा में पूरा मचा दिया है लास्ट मोमेंट ट्यूशन ने यूट्यूब पे, एक तरीके से सब लोग फैन हुए पड़े हैं। और यही की जो जर्नी है उसी से कंटिन्यू में एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इनिशियल डेज में सबको तकलीफ होती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज का हमें सामना करना पड़ता है। मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था जहां पे वो बिहाइंड द सीन वाला आपका वीडियो, जिसमें आपने कहा कि मैं फोन मांग रहा था दूसरे से, आई यूज टू बोरो द फोन फ्रॉम अदर, और मैं फिर मेरी बहन पकड़ती थी फोन एंड आई यूज टू रिकॉर्ड इट। मतलब इस तरीके से आपने शुरुआत की थी, और अभी तो अभी I think आपके पास Mac है, I think ना आपके पास Apple, so that's the journey। तो वो difficulties थोड़ा अच्छी तरह बताइए। मैंने 250 videos बिना फोन के बनाए भाई। Okay। समझ रहे हो क्या? तो I am today very grateful के I have these resources at this moment। ठीक है ना, मैं इसकी बहुत अहमियत जानता हूँ। और मेरा जो लैपटॉप था ना, वो देखो कैसा है ना, मेरे को अभी जिस तरह से मैं बोल पा रहा हूँ, ये सब के पीछे ना मेरी वो, देखो यार अपनी कमजोरी है ये अपनी ताकत बनती है, अब समझ रहे हो ना। तो मैं अभी 1 घंटा भी चीज़ें ले सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मेरे को डर नहीं लगता, और मैं किसी भी टॉपिक को मतलब 30 मिनट तक भी पढ़ा सकता हूँ बिना अटके,
क्यों? क्योंकि मेरा लैपटॉप एडिट नहीं कर पाता था वीडियो, तो अगर मैंने 14 मिनट पे भी 15 मिनट का वीडियो 14 मिनट पे भी खत्म हुआ तो वो वापस बना, यू कैन एडिट दैट। सो फॉर मी देर वॉज नो एडिट ऑप्शन, क्योंकि मेरा लैपटॉप बोलता था देख तू एडिट करने डाला तो मैं मर जाऊँ, क्योंकि वो मेरी हालत, मेरा HP के लैपटॉप की हालत वही थी। तो मैं बोला ठीक है तुम YouTube पे अपलोड कर देते हो, मेरे को टैग्स डालने दे देते हो, अपन बहुत धन्यवाद है भाई, शुक्र गुजार है, एडिट नहीं करेंगे। तो ना मतलब वो एक वन टेक की मेरे को आदत पड़ी, तो इसलिए मेरे को मतलब कि वो जो है ना, कह रहे एडिट भी किया है, वो बाद में मुझे समझा, कह रहे एडिट भी होती है चीज़ें, वापस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब हाँ इसके बाद मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ इसको ये पॉइंट से, बोला शुरुआत से करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें अपने को तभी नहीं पता थी, तो वहाँ से वो चीज़ आई। उसके बाद मंशा करके एक इंसान आया, तो मतलब यहाँ पर अगर लेसन देना चाहिए ना तो कि अपने ड्रीम्स ना अपने दोस्तों को बताओ, और ऐसे दोस्त होने चाहिए जो सुने और समझे। तो मैं मंशा, मैं किराने के दुकान पे, इधर किराने की शॉप थी मंशा के, अपन उधर जाए, हर किसी के इंजीनियरिंग बंदों के अड्डे होते, तो ये अपना अड्डा था, मैं पाजी और मंशा चिल करते थे, कुछ नहीं आ रहे ऐसे वैसा बैठे बैठे लोगों को देख रहे। मैं अपनी इंजीनियरिंग में ना मतलब वो मोमेंट इतना फ्री है ना कि मैं और पाजी बैठ के कुछ भी नहीं कर, एंड आई एम जस्ट लाइक दैट वाज वन ऑफ द हैप्पी मोमेंट फॉर माय लाइफ। तो मैं और मंशा हम लोग बैठे हैं, और मैंने उनको बताया कि ना मेरे को वीडियो बनाने का शौक है और मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। तो मंशा ने बोला कि मेरा फ़ोन ले लें। तो वहाँ से क्या हो गया कि मंशा ने बोला कि मेरा फ़ोन ले लें, और वहाँ से मैं मंशा का फ़ोन लेके वीडियो बनाने लग गया। इंजीनियरिंग के कॉलेज के आने के बाद मैं पाजी के साथ बैठ रहा हूँ, और पाजी मेरा बहुत जिगरी यार, आई एम सो लकी ना कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, अब समझ रहे हो क्या, लाइक देर आर फ्यू पीपल जिनका दोस्त होते हैं, और लाइक मेरे को मेरे थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में दोस्त मिला है, और लाइक कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग, बहुत चिल ही कर रहे हैं, और चिल भी मतलब सिर्फ बैठे बैठे चिल कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ ऐसा लोगों को देख रहे हंस रहे, ऐसा बिन नशे के हम लोग नशे में रहते थे, क्योंकि हम लोग का वाइब ऐसा था, अब समझ रहे हम हाई फ्रॉम लाइफ, मैं हमेशा लाइफ से हाई हूँ, मतलब कैसा ना कि मैं बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ, कभी भी अगर आप मेरे को भी मिलोगे ना तो आपको बोलेगे यार यार ये सुमेर है ना, हमेशा ऐसा ऐसा जोश में ही रहता है कुछ ऐसा, मतलब वैसा है मेरा एनर्जी। तो मंशा को मैंने बताया कि मंशा वीडियो बनाने का शौक है, ऐसा ऐसा है, तो मंशा ने अपना मोबाइल हमें देने लग गए, और वहाँ से हम वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। और जब कम पढ़ने लग गया, क्योंकि मेरे को 2 घंटे फोन बहुत कम पड़ रहा था, तो मैंने बोला एक काम करते हैं मंशा, आप ना दिन में तो फ़ोन यूज़ करते हो क्योंकि आपको शॉप को चाहिए, मैं रात को आपका फ़ोन यूज़ कर लूँ, समझ रहे हो। तो फिर मंशा का फ़ोन मैं रात को लेके आता था, पूरी रात भर हम वीडियो बनाते थे, और सुबह मैं उनको देता था, फिर कॉलेज जाता और कॉलेज में सो जाता। तो इस तरह से मैं इंजीनियरिंग भी मैनेज कर रहा था, और वो फ़ोन जो हालत है कि, और ना शुरुआत के दिन सच में बहुत सर्वाइवल के होते हैं सर, श्रीधर भाई। आप अभी अगर अभी तो फिर भी अपनी सिचुएशन बहुत बेटर हो गई रहेगी, पर ना आगे भी ना थोड़ा अप एंड डाउन आएगा, पर अपने को डगमगाना नहीं, कसम से कह रहा हूँ अपने को डगमगाना नहीं। अपन यार देख जो जो इंसान टिक गया ना यार, जिसने सुबह देख ली वापस, और सुबह इतने जल्दी नहीं आती, जिस इंसान ने सुबह देख ली तो उसका नसीब खुलेगा, पर जो इंसान बहुत लोग ना रात में सो जाते डर जाते रात से, तो उतना रहने का है। और बहुत एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लोनली पाथ यार, मतलब ऐसा कि अपन एंटरप्रेन्योर है तो वो इतना ईजी नहीं होगा यार, बहुत लोग मना कर देंगे, बहुत लोग छोड़ देंगे तुम्हें, बहुत लोग मतलब बहुत सारे ना ऐसा एक्सपीरियंस आएंगे कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, एंड इट्स अ पेनफुल पाथ यार, तो यार तुम सिलेक्ट किए गए हो इस चीज़ के लिए, समझ रहे हो क्या, तुम इतने ज़्यादा लोगों की जब तुम मदद करोगे तो तुम्हें तो थोड़ा तो तुम्हें भी तो उतना अफेक्ट होगा ना। अब नेल्सन मंडेला जितने यार बड़े इंसान अपने को कितना उनका नाम है, लेकिन वो इतना पेन मैनेज किए, इतना हैंडल किए, इतना बड़ा काम करने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आती है यार, बहुत सारी ऐसा कि नाकामियाँ भी बहुत झेलनी पड़ती हैं, और काफ़ी टाइम तो बहुत सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं तब वो अभी अगर एक बात मैं बताऊं, एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो हम दोनों में कॉमन बड़ी चीज़ है, आपने भी थर्ड ईयर से शुरू किया था, मैंने भी थर्ड ईयर से भैया शुरू किया, मैं मतलब मैंने भी बोला कि नहीं यार अपने को अभी स्टार्ट, इट्स अ हाई टाइम, मैं बोला था प्लेसमेंट नहीं करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा अपने को, तो जस्ट एक कॉमन पॉइंट मुझे मिला कि थर्ड ईयर से अपन दोनों ने शुरू किया है, मेरी अभी उम्र 25 होने वाली है, आपकी 26 होने वाली है, तो मतलब ज़्यादा कोई फर्क है ही नहीं, मतलब नहीं, काम नहीं। करने का तरीका भी सेम है, एनर्जी लेवल भी सेम है, सब कुछ कोई मतलब भाई भाई की तरह एक फीलिंग आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा ही। अरे नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, अपनी जो रिलेशन मतलब कैसा होता है ना कि
बहुत ये जो एनर्जी वाले लोग है ना, इसलिए मेरे को बहुत मजा आता है, क्योंकि मेरे को वो मेहनत दिख जाती है ना, मैं देख पाता हूँ कि अरे ये इंसान, आप जिस तरह से आपने बहुत अलग अलग हाई हाई लेवल सब्जेक्ट को बहुत कॉम्प्लेक्स को बहुत ईजी करके 5 मिनट में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत, क्योंकि ना भाई सबसे मुश्किल वाला काम चीज़ों को ईजी करना। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। जो लोगों को लगता है कि ये 5 मिनट का वीडियो है ना, इसके लिए पीछे 5 घंटे की मेहनत है, तब जाके वो 5 मिनट का वीडियो मतलब वो गोल्ड मुंह से निकला है कि टाक टाक टाक, वो सुपर वर्ड जो होते हैं ना जो लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं, कहा टाक 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 तो है, लेकिन वो टक 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 के लिए वो पिछले जो 5 घंटे से 6 घंटे से वो इंसान बैठ के उसको ईजी कर रहा है, वो मैं जानता हूँ ना, वो लाइक आई कैन फील दैट। बिल्कुल यस यस यस, इसीलिए मैं भी मतलब आपने जिस तरीके से आप टीम मैनेज कर रहे हो, कंपनी मैनेज कर रहे हो, ये भी कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं तो अभी जस्ट थोड़ा सा अभी शुरू कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा ब्लॉगिंग शुरू कर दिया, अभी पॉडकास्ट शुरू कर दिया, मतलब एक एक करके चीज़ें शुरू कर रहा हूँ। आप तो भैया करके बैठे हो, वेबसाइट बना के बैठे हो तो अभी बहुत कुछ है ऐसा सीखने जैसा कि भाई मेरे भाई से सीखने जैसा है, मुझे भी अभी बहुत कुछ। और इसीलिए मैं फिर अगला सवाल लेता हूँ जिसमें मैं आपको पूछने वाला हूँ कि आपके दिमाग में एक टीचर की क्या डेफिनेशन, मतलब एक, हाँ भैया अगर ऐसा ऐसा है तो ही इज अ और शी इज अ आइडियल टीचर, एक एक टीचर की डेफिनेशन क्या है आपके दिमाग में जो होना चाहिए? टीचर की डेफिनेशन मेरे दिमाग में सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वन, क्योंकि पता है ना कि अपने अंडर अगर कोई बंदा आया है तो मेरा काम है कि मैं उसको एकदम सही डायरेक्शन पे भेजूँ, समझ रहे हो क्या, कि यार ये मेरे यहाँ पे आया, यार ये मेरे पास आया ना, तो मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मेरी पूरी बेस्ट दूंगा जो मेरे पास है, ताकि मैं उसको अच्छे से मोल्ड कर सकूं। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मदर जैसी होती है, वो अपने बच्चों को किस तरह से संभालती है, और वो बहुत यार हाँ, पर वहाँ पे फादर वाला भी होना चाहिए, तुम्हें कठोर होकर भी उसको बताना है कि ये सही है ये गलत है, तो वो वाली मेरे लिए एक माँ बाप जैसी है, यार मेरा जो कि मैं किस तरह से इसको यार कि कोई अपने पास आया है, देख तो यार देखो कहीं अपने पास अगर कोई आया तो खाली अपने आना चाहिए, कुछ तो उसको वैल्यू मिल के जाना चाहिए। तो टीचर की डेफिनेशन मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है, और अगर वो जिम्मेदारी से हर इंसान उसको निभाए, अब समझ रहे हैं, तो एक अलग लेवल का वो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि अपने पास कंट्रोल है ना, अपन जो डायरेक्शन में बताते लोग फॉलो करते हैं, किसी भी अरे अरे इंसान को नहीं पूछते कर क्या करना, अगर अपने को पूछ रहे तो अपने पास वो इतनी, अगर वो लोग इतना वो लोग अपने को मानते हैं तो इतना अपने सर पे जिम्मेदारी भी अपने को रखनी चाहिए, नहीं यार उसका उसको सही बात बतानी पड़ेगी, अपने को गलत झूठ नहीं बोल सकते उसको, उसकी लाइफ का सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वही फिर मैं जब टीचर पे आता हूँ तो फिर वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी आता है, तो आपका क्या ख्याल है, आपके क्या विचार है जब मैं इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ कि क्या है, क्या चल रहा है ये इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम में आजकल? लोग ऐसे ही ले लेते हैं इंजीनियरिंग, सबसे पहली चीज़ अगर ये चीज़ देना, तो अगर आप देखोगे ना कितने लोगों को पूछो क्यों कर रहे, मेरे को नहीं वाले हो रहे, मेरा दोस्त करा था मैं भी कर लिया, आप समझ रहे और बहुत लोग कह रहे वो दीदी ने किया था ना तो मैंने भी कर लिया। और इंजीनियरिंग मेरे लिए जो इंजीनियरिंग है ना, इट्स अ सेल्फ डिस्कवरी, समझ रहे हो, इसलिए मेरे को लोग पूछते कि बंदा इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर लेता है, अरे यार उसको इतना पावर मिलता है कि वो भाई अगर आपको पैशन नहीं मिल रहा इंजीनियरिंग कर लो आपको पैशन मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है वो चीज़, हाँ, कि मतलब अगर आप कुछ अगर कर रहे हो तो पहले इंजीनियर बनता है, फिर इंजीनियर के बाद फिर कुछ फोड़ता है, कुछ निकालता है, फिर कुछ मचाता है, ऐसा होता है, बराबर है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले बच्चों को अगर पता करना है ना तो गिव डायरेक्शन टू योर लाइफ बाय योर ओन सेल्फ, समझ रहे ना, उसके लिए अगर एक बेस्ट एक्सरसाइज में मैं बताऊँ ना, जो मैं अपने लाइफ में रोज फॉलो करता हूँ श्रीधर भाई, विच इज प्लानिंग योर डे, यस प्लानिंग योर डे एंड जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होती है कि प्लानिंग योर डे मतलब मैं सुबह उठा और मैंने कल रात को ही प्लान कर लिया था कि मेरा 2 बजे का जो है 2 से ये होने वाला है, इसके पहले ना मेरे को अभी करंटली वीडियोस बनाने हैं और मेरे को अभी वैल्यूएबल वीडियोस बनाने हैं, वैल्यूएबल वीडियोस यानी मतलब कि ऐसे वीडियो जो जेनेरिक भी हो, समझ रहे हो क्या, कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए वो सब, तो उसके लिए मुझे 9 बजे से उठ के मैंने 11 बजे तक वीडियोस देखे कि लोग क्या क्या बना रहे हैं, क्योंकि अपन तो लोगों से सीखते ना यार कि कौन बंदा इस काम में अच्छा कर रहा है, तो मैं रेफरेंस ले रहा था, तो वो मैंने टाइम सेट किया, क्योंकि ये इतना बिजी डे निकल जाता है ना कि देखो एक है कि एक लाइफ आपके सामने क्या फेक रही है, आप उसी में बिजी हो गए कि हाँ ये आया वो कर लिया वो कर लिया, तो आपने अपना किस तरह से किया, तो अगर आपको अपना करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा खुद के लिए, और जितना मैं कह रहा हूँ ना श्रीधर भाई, अगर इंसान खुद पे काम करने लग जाए
जितना वो खुद को टाइम देगा पर्सनल के लिए और पर्सनल चीजें करने लग जाएगा रेदर देन ओनली गेटिंग बिजी बाय द वर्ल्ड, तो वो उतना इम्प्रूव करता है. तो लाइक थ्री स्मॉल टास्क फॉर टुडे, कि मेरे को आज क्या करना है, छह महीने बाद, एक साल बाद, चार साल बाद मुझे क्या करना, छोड़ो मेरे को आज क्या करना, आज मेरे को रिसर्च करनी है कि कंपनीज कौन से टाइप की होती है, आज मेरे को रिसर्च करनी है कि जॉब रोल कौन से टाइप के होते हैं. तो जब आप सिर्फ एक 10-10 मिनट की भी रिसर्च पुट करते हो ना, तो यहाँ से अपने को एक डायरेक्शन आता है कि भाई अपने को कहाँ जाना. ये पहली चीज के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए. देखो कॉलेजेस में कैसा है ना कि देखो आप, मेरे को तो यार कॉलेज में ना मैंने कभी इस पे फोकस ही नहीं किया कसम से. अपन तो ऑनलाइन ही चीजें कर लेते कि हाँ कॉलेज. देखो मेरा, मैंने इंजीनियरिंग से क्या सीखा पता है, कि मेरे को प्रेशर हैंडल करना सिखा दिया उसने. वो तो है, वो तो है. इंजीनियरिंग कोई भी कॉलेज आपको प्रेशर हैंडल करना सिखा ही देता है. लेकिन जैसा आपने यहाँ पे अभी पॉइंट बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ डेवलपमेंट, मेरा यही पॉइंट है कि आजकल क्या इंजीनियरिंग का जो करिकुलम है उसमें सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है, या ज्यादा मार्क्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, तो सेल्फ डेवलपमेंट कितना हो रहा है आज के टाइम भी ना. अगर मैं बोलूँ तो लोग उसी को इम्पोर्टेंस. अच्छा ये चीज तो अभी चलो चार नई चीजें आगे की डिग्री उतनी मैटर नहीं करती, ये नहीं करता. लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट ना, मतलब कि लोग वही पॉइंटर ही देख रहे यार कि अच्छा कौन कितना अच्छा रट्टा मारता है. मैंने मैं एग्जांपल देता हूँ. मैंने एक वन ऑफ द कजन थी मेरी जो बहुत टॉपर थी, तो मैं उधर गया. मैं बोला आज इनके साथ पढ़ूंगा भाई, अपना दो दिन बाद पेपर है, मैथ्स का पेपर था जी. तो ये लोग टॉपर लोग पढ़ रहे, और मैं गया और वो लोग ना रट्टा मार रहे सम्स. टू बी ऑनेस्ट इधर भाई मैथ्स के सम रट्टा मार रहे. और मैंने ना, एक मेरा दोस्त है जिसको हम लोग खुम्बोजकर कहते हैं, आदित्य सिंह करके बंदा है, जो अभी आईआईटी दिल्ली पास आउट है, मेरे साथ, मेरे नसीब से वो टायर 3 कॉलेज में मेरे साथ आ गया था फर्स्ट ईयर में, मेरा दोस्त बन गया. अच्छा अच्छा. उसके बाद वो गेट फोड़ के आईआईटी दिल्ली गया. तो ना उसने मुझे मैथ्स पढ़ाया हुआ, तो मेरा जो बेसिक्स है मेरे को मालूम है कि मैथ्स किस लेवल की चीज़ है और किस तरह से पढ़ी जाती है फिर पढ़ाई जाती है. और ये लोग टॉपर लोग रट्टा मार रहे. समझ रहे? मैं बोला इस तरह से नहीं होती भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तो पाप है. तो उन्होंने दूसरे दिन मेरे को बुलाया नहीं, बोलता है इसको बुलाने का नहीं, ये तो गलत बातें बोलता है. मैं बोला मत बुलाओ. आप समझ रहे ना? और ये लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ये लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है कॉलेज में. अरे ये तो 9 पॉइंट है. जी जी जी, यही यही मेरा कहने का मतलब था, यही मैं सवाल पूछ रहा था आपको कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज में सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा ना, कि ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिस हिसाब से उसका इंटरेस्ट है वैसे उसको मॉडल किया जाना चाहिए, शेप किया जाना चाहिए, तो उसके लिए फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या फिर बड़ी बड़ी अपनी खुद की कंपनीज, मैं क्यों बात कर रहा हूँ गूगल की, मैं ऐसा भी बात कर सकता हूँ कि मैं खुद का गूगल खड़ा करूंगा, बराबर. तो इस किस्म का कॉन्फिडेंस जो है आपको सेल्फ डेवलपमेंट के बाद ही मिल सकता है, ये मेरा कहने का. हाँ एग्जैक्टली. तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, उसके लिए इनके करिकुलम में ना, मतलब एटलीस्ट एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक चीज़ होनी चाहिए जो ऐड होनी चाहिए. उसके अलावा स्पीकर्स आने चाहिए जो सिर्फ जॉब के बारे में बात ना करें. इनको ना मोल्डेड किया जा रहा है, मतलब नौकरी, जिंदगी नौकरी नहीं मिली तो बर्बाद हो जाओगे. और अगर तुम लोग ने मतलब जॉब, ये वो कुएं वाली मेंटालिटी है भाई, समझ रहे हो क्या? अगर बाहर की मच्छी नहीं आएगी, कुएं वाली मेंटालिटी में बताता हूँ. एक बार एक मच्छी समंदर से आ गई, कैसी भी थक पड़ गए कुएं में. अब इधर मेंढक बैठा है, मेंढक बोलता समंदर कितना बड़ा है, तो मछली बोलती बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. तो मेंढक बोलता कितना है, इतना बोलता नहीं, इससे बहुत बड़ा. तो मेंढक बोलता ये दीवार से उस दीवार तक. तो मछली बोलते उससे बहुत बड़ा. तो मेंढक बोलता तो झूठ बोल रही. अब लोगों के दिमाग में ना मेंटालिटी इतनी रख दी है ना कि जो लाइफ है ना वो ये दीवार से उस दीवार तक. अगर उससे बड़ी अगर तुम कोई बात कर रहे हो तो फिर वो झूठ है. तो अगर कोई मच्छी आके बताएगी ना इनको कि नहीं समंदर बहुत बड़ा है, तो तब समझेगा ना कि अरे समंदर भी है, अपने को तो कोई नहीं बताया, अपन तो खुद ही ढूंढ लिया था, अपन तो उतर गए कि नहीं खड्डा खोद के नाले में जैसे कहीं से भी समंदर में घुस जाएंगे, अपन तैरने लग गए थे. पर ना वो बताने वाला अगर कोई देख, पता नहीं है. देख मैं तो इतना इतना डीट इंसान हूँ ना कि मेरे को नहीं भी बताएगा तो मैं तो ढूंढ लूँ. लाइक आई एम क्यूरियस टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक हाँ मैं वो लेकिन सब नहीं होते. पर मैं यही कह रहा हूँ कि वो क्यूरियोसिटी रखो, वो रिस्क लेने का लाइफ में रखो. और फेल होने से मत डरो यार. तुम 25 साल तक फेल हो सकते हो. मैं 26 साल का अभी भी जो है ना, मैं अगले 2-3 साल बहुत एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ लाइफ में. समझ रहे? अपने को इतना डाल दिया कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी. जितना ज्यादा सिक्योरिटी के पीछे भागोगे ना, उतना ज्यादा तुम नहीं कर पाओगे. और जितना तुम फाड़ के निकलोगे ना, उतना ज्यादा तुम एक्सपीरियंस हो. जो तजुर्बा वहां से आता है भाई, मतलब बिल्कुल
इतना मेरे को लगता बिल्कुल है। तो मेंटालिटी रखो मगरमच्छ नहीं, मछली वाली हाँ, और मेंढक वाली मेंटालिटी मतलब, और मछली वाली मेंटालिटी कब आएगी, जब आप डाइवर्सिटी फाइव लोगों से मिलोगे, अलग अलग जो अलग अलग तरीके के लोगों से मिलोगे तब आएगा। मैं इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में क्यों मचा पाया, क्योंकि तब मैं जैक मा, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इनके कोट्स पढ़ता था। मैं जैक मा के वीडियो देख रहा था और इन लोगों के मैं समझ रहा था और इनकी सोच मेरे दिमाग में आ रही थी, समझ रहे हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग की सोच लेता तो मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर की बुक होनी चाहिए थी, पर डेटा स्ट्रक्चर की बुक से ज़्यादा मेरे पास सेल्फ हेल्प बुक्स थी, क्योंकि यार अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको करोड़पति जो बनना है उसकी किताब पढ़नी पड़ेगी, रहते थे कि नॉर्मल इंसान वो जो सेल्फ हेल्प मेरे लिए, देखो यार मैं जितना बाहर मैं चाह रहा हूँ उतना मैं अंदर क्योंकि खुद पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं जितना खुद पे काम कर रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा था तो उसे से जुड़ा हुआ थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ कि आपको भी कमेंट देखो ऐसे आए होंगे, बच्चों ने पूछे होंगे कि आप मेरे कॉलेज के प्रोफेसर से अच्छा पढ़ाते हो, ऐसे आपको कमेंट्स मिले होंगे, बराबर है। तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि मतलब चलो यार किसी कॉलेज में जाते हैं, बनते हैं प्रोफेसर और पढ़ाते हैं वहाँ पे, ऐसा कभी थिंकिंग आई आपके दिमाग में? आई थी ना, अरे क्यों नहीं आई थी, देखो कैसा है ना, मेरा प्रणीत करके दोस्त था तो मेरे को भी यार अपन भी तो मेंढक की मेंटालिटी में थे ना, क्योंकि अपन भी तो डरे हुए थे, ऐसा नहीं कि आप देखो श्रीधर भाई आपने भी फाइनल ईयर में एक बार तो इंटरव्यू देने गए होंगे, मैं तो गया, देखो पहले से सर डिटरमाइंड नहीं था, अरे यही हो जाएगा, क्या मालूम होगा नहीं होगा कुछ, वो इतना डरे हुए थे अपन तब उस मोमेंट पे, आप समझ रहे हो क्या, जब अपने 17,000 सब्सक्राइबर या फिर 10,000 सब्सक्राइबर है तब क्या डर था अपना, एक तो ये लोगों को लगता था कि ये तो कुछ भी कर रहा है, फालतू गिरी कर रहे हैं और अपन इसमें ही अपना बड़ा सपना देख रहे हैं, तो समझ रहे हो ना उस टाइम, समझ रहे हो। तो अपना क्वेश्चन क्या था, मैं तो वहीं भूल गया। हाँ मैं क्वेश्चन वही था मेरा आपसे कि इतने कमेंट्स आपको मिलते हैं कि यार तू मेरे कॉलेज के प्रोफेसर से अच्छा पढ़ाता है, प्रणीत तो करके बंदा था, हाँ हाँ प्रणीत करके बंदा था, उसने मेरे को बोला कि सुमेर अपन एक काम करते हैं, मैं तो टीचर बंदा हूँ, मेरा फ्रेंड है कि इसके बाद डिप्लोमा में पढ़ाने लग जाऊंगा, मैं बोला सही पढ़ा दो मैं भी लेता तो मैं भी लग जाऊंगा। तो ना मैंने डिप्लोमा का तो अपने को ज्यादा कुछ पता नहीं चला, तो इंजीनियरिंग में पढ़ाने के लिए आपके रूल्स एंड रेगुलेशन कि आपको एम टेक करनी पड़ेगी तभी आप पढ़ा, और मेरा कैसा था क्या ना, मैंने ना यार एक कॉलेज में बहुत पढ़ लिया है मेरे को और 2 साल डालने हैं, कसम से कह रहा हूँ मैं अगर पढ़ाऊँ, और मैं जानता हूँ यार मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ यार, टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं सब्जेक्ट को यार मतलब जितना आपने कॉलेज में पढ़ा रहे होता तो मैं पढ़ा ही लेता हूँ और अच्छा से पढ़ाता हूँ। तो वो जो चीज़ थी ना, तो वो लिमिटेशन जो थी यार, नहीं तो फिर टीचर नहीं बन सकता, मतलब तेरे को एम टेक नहीं कर रहे तो मतलब यार जो जितना ये लोग मेरे को 2 साल में करेंगे उतना तो मैं 6 महीने में ऑनलाइन पढ़ लूंगा, मैं अपन ऑप्टिमाइज हो गए थे, सही बात है, सही बात है। वो जो लिमिटेशन की वजह से मैं अच्छा हुआ कि मैं कॉलेज में नहीं पढ़ा पाया, वरना आज ना श्रीधर भाई आज अच्छा हुआ आप नहीं पढ़ाया, वरना आज आप 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं, आपके अगर समझो 1 करोड़ व्यूज है तो आप 1 करोड़ तक बच्चों तक नहीं पहुंच पाते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हम लोग अगर आपके 1-2 करोड़ है, अपन 5 करोड़ है, तो वो जो 5 करोड़ कहीं ना एक इंसान है यार वो फटी हुई है उसकी, वो वीडियो देख के वो पास हो रहा है कल, वो इम्पैक्ट देख रहे हो आप ऑनलाइन का, पैसे भी कमा लेते थे यार मतलब बड़ी जगह से, लेकिन वो जो इतना बड़ा इम्पैक्ट है ना वो नहीं होता। तो मैं बिल्कुल 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 तो टीचिंग कर रहे हो लेकिन वो अपन दिल से कर रहे हैं, अपने मर्जी से कर रहे, जैसा अपने को नौकरी भी नहीं करनी थी, ठीक है वो तो अपना था, तो वो अपने अपने माहौल से देख अपन अपने राजा है, और मैं और राजा ऐसा है कि जो मेहनत भी करना चाहते हैं वो वाला नहीं कि यार अपन अपने हिसाब से। तो अभी जैसे आपने मेंशन किया नौकरी के बारे में तो अगला थोड़ा सा उसी के ऊपर बात करते हैं। क्या होता है ना, जब फोर्थ ईयर तक पहुंचता है कोई इंजीनियर तो पेरेंट्स बोलते हैं भैया कंपनियां आ रही होंगी, आईटी कंपनियां आ रही होंगी, प्लेसमेंट के लिए बैठ जाएगा, मुझे कम से कम तेरे हाथ में भैया 2-3 कंपनी तो आई जानी चाहिए, उसमें से फिर तू चुन के भैया चले जाना, ऐसा कुछ तो होना चाहिए माहौल, ऐसा पेरेंट्स को लगता है। लेकिन बच्चा इंजीनियरिंग के एंड तक समझ चुका होता है कि उसको क्या करना है, बत्ती जल चुकी होती है, मेंटोस खाली होती है उसने, तो फिर अभी उसका इंटरेस्ट पता चल गया होता है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट अलग है, पेरेंट्स चाहते तू नौकरी में बैठ, तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है अब यहाँ पे, और ये जो सारा चल रहा है, ये मामला जो चल रहा है, ये गैप जो क्रिएट हो रहा है, इसे कैसे हैंडल किया जा सकता है? क्योंकि मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि ये जो पेरेंट्स है वो गलत है, बिकॉज पेरेंट्स माँ बाप ये दो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपने बेटे बेटी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे, बट बंदा भी गलत नहीं है,
हाँ बराबर अनकंडीशनल, लेकिन वो जो बच्चा है वो भी तो गलत नहीं है ना, उसका भी तो इंटरेस्ट है, वो भी वो करना चाहता है, तो फिर इस माहौल को कैसे जमाया जाए, मतलब भैया ये भी खुश हो जाए ये भी खुश हो जाए, दोनों साइड खुश हो जाए, तो आपका क्या विचार है? श्रीधर भाई लोगों को थर्ड ईयर में भी पता चल जाता है कि उनको करना है, समझ रहे हो? अगर फाइनल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको थर्ड ईयर में पता है उसको क्या करना है, पर ना वो परमिशन के लिए रुका है। हाँ हाँ, उसने कभी परमिशन नहीं मांगी कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद एग्जाम होने के बाद दारू पीने जाऊँ क्या मम्मी पापा, क्या मैं सिगरेट पीऊँ, या फिर अगर कोई मतलब पॉर्न देखूँ क्या, सारे एक बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन यू डिड यू आस्क दैट परमिशन, ऑल ऑफ दिस थ्री थिंग्स डिड यू वेटेड फॉर दैट, क्यों नहीं ये सब गलत है? अगर तुम वो चीज करने के लिए नहीं पूछे, जब तुम्हें अपने दिल की काम करना है तो रुके किसके लिए हो? सबसे पहली चीज का तुम करना शुरू कर दो, सबसे पहली चीज तो यही है कि ना वो अच्छी चीज करने के लिए रुकते हो जाए कि क्या भाई, करना शुरू कर दे, फेल हो जा थोड़ा सा इधर उधर। और वो जो कि वो पहली चीज तो ये, दूसरे ना वो रिसोर्सेज के लिए बहुत रुकते, कि DSLR आएगा ना, DSLR मेरे पास स्क्रिप्ट सबसे बेस्ट रेडी है, बेस्ट DSLR आएगा ना, DSLR तो ऐसा शॉर्ट फिल्म बना दूंगा, ऐसा वीडियो बना दूंगा। अगर मैं DSLR के लिए रुका होता तो आज DSLR और मैक आते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले इंतजार मत करो, कि रुको मत, करना शुरू कर दो छोटे लेवल पे, जहां से भी, मतलब एक छोटे से छोटे लेवल पे, और जो इंसान कर रहा है उधर जाके चाहे वर्ल्ड बॉय बन जाओ भाई, कि अगर तू ये कर रहा है मेरे को ये करना है, और जाके पूछो। समझ गया क्या? ठीक है ना, स्टीव जॉब, मतलब स्टीव जॉब का था, उसने बोला था अबाउट फेलियर, उधर बहुत लोग जाके पूछते ही नहीं। मैं चार लोगों को फोन किया था, मेरे को चार में से दो लोगों ने तो ना जवाब दे दिया, तो मैंने उतना मतलब वो गट्स रखा कि मैं जाके पूछ रहा हूँ जो मेरे को चाहिए उसके लिए, वो अपनी वो कि आई वॉन्ट दिस एंड आई वॉन्ट टू डू, आई कैन डू एनीथिंग फॉर इट, तो वो जो डिज़ायर है यार उस पर तुम लोग अप्लाई करना, तो जो जाके चार लोगों को पूछो तो सही उसके बारे में, और उनको पूछो तो वो काम कर रहे हैं, रहते थे कि ये तेरे को क्या लगता है दोस्त, मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं, जो बंदा उस चीज़ में है ही नहीं उसको पूछ के क्या ही मतलब है, अब समझ रहे हो क्या? बिल्कुल, तो उस इंसान से पूछो जो वो चीज़ में है सबसे पहली चीज़। उसके बाद कैसा है ना कि अगर तुम छोटे लेवल पे भी खुद को प्रूफ कर दोगे ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ा सिक्योर हो जाएंगे कि हाँ यार कुछ तो कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट मोमेंट ट्यूशंस में, मतलब मेरे को 10,000 सब्सक्राइबर थे यार, आप समझ रहे हो क्या, मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो गया था 10 से, और पर उनको पता था कि लड़का काम अच्छा है और उन्होंने मेरी मेहनत देखी थी, तो जब अपने माँ बाप अपनी मेहनत देखेंगे ना, कह रहे तो दिन रात लगा हुआ है इसमें, तो वो लोग भी अप्रिशिएट करेंगे। और ये दूसरी चीज, तीसरी चीज ना, कभी कभी आपको लड़ना पड़ता है, लड़ना एज इन के आपको हाथापाई नहीं करनी, पर वही बोलना कि ठीक है आप बोले तो मैं लाल कलर का शर्ट पहनता हूँ और बाहर कर जाके आपने टी शर्ट पहन ली, इधर लाल ही पहन के जा रहा हूँ, लेकिन बाहर जाके आपने टी शर्ट पहन ली, या फिर बनियान पहन के घूमना, बनियान पहन के घूमो बाहर घूमना, क्या बोलते तो ना कि कभी कभी आपको आपकी चीजों के लिए लड़ना पड़ता है, इसीलिए नहीं कि यार मेरे माँ बाप से मैं लड़ लूंगा, क्योंकि अगर आप आज लड़ोगे ना तो अगले 4-5 साल बाद आप जिंदगी भर अपने माँ बाप को कोसोगे नहीं, पर अगर आज आप में ही लड़े और जब जॉब लग जाएगी आपकी और आप वो काम कर रहे हो जो आपको करना नहीं पसंद है ना, तो आप अपने लाइफ टाइम अपने माँ बाप को कोसोगे कि यार इन लोगों ने मेरे को करने नहीं दिए, तो यार वो इतना मतलब कोसने से अच्छा यार अभी लड़ लो थोड़ा इंकलाब जिंदाबाद। और मैंने बहुत किया इंकलाब जिंदाबाद भाई, कसम से कह रहा हूँ, मतलब मैंने टीचिंग वन ऑफ द थिंग है, मैंने बीटबॉक्सिंग की है, मैंने डांस किया है, मेरे को रिसेंटली के बोला ना गोवा गया था, मैंने वीडियो डाल दिया, समझ रहे डूबा डूबा रहता हूँ, बस डांस कर रहा हूँ मैं मॉल में, मेरे पापा उधर गाना गाता था कम था, तो नाचने का भी वीडियो डाल के नाम खराब कर रहा है, बोला अरे क्या अच्छा तो डांस किया था। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, नहीं मतलब वो तो है, वो तो है, वो तो बिल्कुल सही आपने बताया कि मतलब क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, तो स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा भैया कि अपन ने क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या मामले, एक इंपॉर्टेंट है प्रूफ करके दिखाओ अपने को, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, प्रूफ करके दिखाओ अपने आप, सामने वाला इंसान मान जाएगा कि आपको जो करना है वो कर भाई, तू तेरी लगन देख के तेरी मेहनत देख के अपने आप को प्रूफ कर रहा है तू, फिर कौन सा इंसान मना करेगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। यस, और अब जो है थोड़ा सा मैं एक बड़ा ही फ्रेंडली सा सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या होता है ना इंजीनियरिंग करियर में जब एक स्टूडेंट होता है, तो मैं स्पेशली बंदों की बात कर रहा हूँ, बंदियों की नहीं, बंदों की बात कर रहा हूँ, तो कैसे होता है ना वो अपने आप को थोड़ा सा ना कम आंकने लगते हैं, जैसे कि यार मेरे पास बंदी नहीं है, मेरे पास GF नहीं है, ये मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना इन सबके पास GF है,
मेरे पास नहीं, मेरी बंदी नहीं है, तो वो अपने आप को कम देखने लगते हैं, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म करने लगते हैं और उनका अपना सेल्फ डेवलपमेंट से पूरा ध्यान हट जाता है। ओके, और भैया देवदास बन जाते हैं, एक तो ब्रेकअप हो गया होगा या फिर बंदी ही नहीं होगी, तो अपने आप को दोष देते हैं कि यार मेरे अंदर कुछ कमी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बंदी वाला खेल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला खेल है, ये स्टूडेंट लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करना चाहिए इस विषय ने? कैसा है ना कि देखो ये वो वाली चीज़ है, मतलब ना कि अगर तुम रिलेशनशिप में अच्छे नहीं हो, डेटिंग लाइफ में अच्छे नहीं हो, तो खुद को कोसने से अच्छा उस पर काम करो ना। मेरे को कोई बताया नहीं, उस पर काम करो ना कि क्या ग्रूमिंग मैटर कर रही है, क्या यार मैं रहता नहीं हूँ अच्छे से, तो मेरे को ग्रूमिंग पे काम करना चाहिए। अब समझो क्या, रहता देन कंपेयरिंग माई सेल्फ, क्या उसकी लाइफ बेटर है, नहीं भाई उसकी लाइफ अगर तो उसको जाके पूछ, बोले वो हालत खराब है भाई, डेट पूछ जाता हूँ ना मेरे को मार देती है भाई वो ज्यादा पेन में है भाई, क्योंकि ना अच्छा। वो दोनों दुनिया देखी है ना अपन ने, आपने दोनों दुनिया देखी है, अपन ने सिंगल वाली भी दुनिया देखी है, वो वाली भी देखी है, वापस सिंगल वाली भी देखी है। अच्छा अच्छा, तो यार ऐसा नहीं है जो बाहर ऐसा दिख रहा है कि सामने वाले की प्लेट में अच्छा खाना है, तो ऐसा नहीं है ब्रो। और एक पांडू को दूसरा पांडू मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग यार बहुत सुपर ऑसम है, नहीं वो लोगों को मिल गए, तेको नहीं हो पा रहा है, तू नहीं मिला किसी से, इसका मतलब ये नहीं कि तू बुरा है, समझ रहे क्या? तो खुद को उस तरह, और जरूरी किसको प्रूफ और प्लीज करने के लिए, मेरा बहुत था भाई, अपन वो इंसान थे जो फेसबुक पे चार अकाउंट बन के चार लोगों को रैंडम मैसेज करते थे। अच्छा, और अपन यार अब किसी रैंडम इंसान के रिप्लाई पे मैं खुद के इमोशंस को चेंज कर रहा हूँ, वो इंसान जो शायद से मेरे को लाइफ में कभी मिलने भी नहीं वाला, बिल्कुल बिल्कुल। तो और जरूरी भी नहीं कि वो मेरे को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्या पता वो 10 लोगों से और भी बात कर रहे हैं, होता है ऐसा, होता ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से अगर मेरी लाइफ कंट्रोल हो रही है तो क्या ये लाइफ मेरे को जीनी है टू बी ऑनेस्ट? यस। तो यहाँ पे जो चीज है कि वैलिडेशन, अरे मेरे पास गोल है तो नहीं, ये मेरा एनर्जी है यार, अपनी एनर्जी बढ़ाओ, अगर तुम एनर्जी बढ़ाओगे ना, कि अपना बोलते ना कि अपनी चादर बड़ी नहीं चाहिए, वो जो सख्त लौंडे का कॉन्सेप्ट क्या पता है, सख्त लौंडे वो जो मेरे लिए है कि मिल तो नहीं रहा मालूम है तो मांगने क्यों जाए, नहीं चाहिए। अच्छा, मिल तो वैसे भी नहीं रहा ना कि तुमने अब तक कोशिश की तो नहीं मिली, तो मांगने क्यों जाए, नहीं चाहिए। और जब तुम बोल देते हो कि नहीं चाहिए, तो तुम जब किसी ऑपोजिट जेंडर से बात करते हो ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ वैलिडेशन नहीं चाहिए ना, अब तुम मी बन सकते हो। यार यहाँ पे तो सुमेर बात कर रहा है, क्योंकि मेरे को तेरे से कोई काम ही नहीं है ना, मेरे को तेरे से मतलब नहीं है, मैं अपने काम की बात तेरे से काम की करके जाऊंगा। और जैसे तुम अपनी चादर फैलाओगे, सोशलाइज हो जाओगे लोगों से, क्या और भाई कैसा है, तेरा कैसा चल रहा है लाइफ में, और जितना पहचान बढ़ाओ, लोगों से बात करो, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू देम, क्या और यार रमेश भाई क्या हो गया फिर अपना, यार ये कॉलेज का क्या सीन, एग्जाम्स कब आने वाले, यार रमेश भाई आप तो, वो रमेश भाई कौन, जेरॉक्स वाला हमारे यहाँ का, नया फोन लिया यार आपने तो बताया भी नहीं मेरे को। अच्छा 50,000 का फोन, रमेश भाई छाप रहे पैसे तो, और अभी रमेश भाई जानता है, रमेश भाई के यहाँ पे जो बंदा रॉकी है वो जानता है, मामा जानते हैं अपने, और वो पहचान है कि टीचर्स को जान रहा हूँ मैं, हर लोगों की कहानियां जान रहा हूँ, तो उतना ज्यादा है, और वो सोशल वैलिडेशन अपन वही ले लिया ना, क्योंकि अपनी पहचान है। तो जब वो थर्ड पर्सन भी देखता है ना, तो भाई ये सही बंदा है यार, ये तो सबको जानता भी है और वो रहता भी, he speaks what he want to speak rather than he speaking so that the front person will be impressed by him. बराबर, वो मेंटेलिटी अपने को मिटानी है, वो नहीं रहनी चाहिए अपनी मेंटेलिटी, बराबर। तो वो सख्त वाला यही है कि मालूम है नहीं मिल रही, लेकिन नहीं चाहिए, बिल्कुल, जो खुद को करना है, I want to do myself and I want to be myself. Yes, तो अगर वो yes. वाला रखोगे ना तो एंड थोड़ी चीज यार कि अपने पे काम करना शुरू कर। yes. बाहर तुम लोग कितना भी कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन खुद पे काम किया ना तो बाहर वाले इंसान भी अट्रैक्टेड होता है, अट्रैक्शन वही है रे। हां, यू आर जस्ट लाइक, यू शुड नॉट गो एंड प्लीड पीपल, यू शुड बी योरसेल्फ। अब तुम ना तो अपना ऑरा उतना बड़ा है ना कि लोग आके बैठे बात करें, क्या ये इंसान से तो यार इसके साथ चिल करने मजा आता है मेरे को, क्योंकि उसको खुद पे कॉन्फिडेंट है। और जिस इंसान को खुद पे कॉन्फिडेंस है, देखो ना सिक्योर लोग बहुत कम है, समझ रहे हो, सिक्योर लोग यार जो यार कितने लोग अपने को मिलते हैं जो कहते हैं यार आई लव माय सेल्फ, बहुत कम तुम्हें लोग मिलते रहेंगे जो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं अपने बारे में, बराबर है, मेरे लाइफ में ये नहीं है, मेरे लाइफ में वो नहीं, आई एम जस्ट टू बी ऑनेस्ट विद, आई एम जस्ट ग्रेटफुल, करेंटली एक तो सबसे अच्छी चीज़ क्या यार मैं यहाँ पे जिंदा हूँ,
सच बता रहा हूँ मैं, आजकल के माहौल में ये बहुत बड़ी बात है और सच में वी शुड बी ग्रेटफुल टू द गॉड। यस यस यस। और सेकेंडली आई एम ग्रेटफुल कि मेरे को रोज शाम को बॉर्नविटा पीने मिलता है। आप समझ, वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर सो मच ऑफ थिंग रादर देन क्राइंग फॉर सो मच। यस उसकी बंदी है, मेरी बंदी नहीं है, फिर ठीक है। तुम्हारी चीज तो मिल जाएगी ना अगर तुम लाइक जरूरी तो नहीं, और नहीं भी मिली तो क्या हो गया यार, मेन चीज ढूंढना है कि यार अपन मीनिंग क्या है, अपन पैदा हो गए। देख श्रीधर भाई कैसा है ना कि बहुत मेरे यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर तेरी 24 साल की उम्र में शादी नहीं हुई ना तो तेरी शादी कभी नहीं होने वाली। अच्छा ओके। तेरी शादी नहीं होने मतलब क्या, अरे तेरी तो उम्र निकल जाएगी, पूछेगा नहीं तेरे को कोई, और ये सारी चीजें ना मतलब ऐसे थॉट प्रोसेस होते हैं। तो उस हिसाब से तो आपकी उम्र निकल गई है, उस हिसाब से तो आपकी उम्र निकल गई भाई। मैं बुढ़ा हो गया श्रीधर भाई। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे पैदा करके, सिर्फ बच्चे पैदा करके, बच्चे पैदा करने नहीं आया हूँ, बच्चे पैदा करके मरने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ बड़ा करने आया हूँ और उसको शायद से वक्त भी लगेगा, और कोई मिल गया तो बहुत सही है मेरे जर्नी में, कोई नहीं मिला तो नाम तो करके जाऊंगा। हाँ, ये होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए, सही सही है एकदम। तो वो जो मीनिंग है यार कि अपन क्या कर सकते हैं, हाउ कैन आई बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माईसेल्फ। यस यस। अब ना मैं बंदों को सुनना है, अब जो बंदों को सुनना है मैं वो भी बता देता हूं। हां हां बताओ, वो हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड ना सही। अच्छा, हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड ना सही, लेकिन कि सबसे पहले अपनी ग्रूमिंग सुधारो। इंजीनियरिंग लॉन्डे मुंह उठा के जाते रहो, मुंह उठा के कॉलेज। एक ही कपड़ा, वो बंदा एक शर्ट 30 दिन पहन के चला जाएगा भाई, को कोई नहीं पड़ गया, कौन ही देखता है अपने को। और वो कहता है कि नहीं रे ब्रो, कपड़ा मैटर नहीं करता, कपड़ा मैटर नहीं करता। मैं किधर बोल रहा हूँ कपड़ा मैटर करता है, पर तू खुद को किस तरह से रख रहा है। एक तो वो आलस है जिसकी वजह से तू कह रहा है कि लुक्स मैटर नहीं करता, नहीं तो खुद को प्रॉपर ग्रूम करना ब्रो। एक प्रॉपर टी शर्ट पहन, क्योंकि अभी तू बॉय है रादर देन, समझ रहा है क्या, एक प्रॉपर टी शर्ट पहन, नीचे जीन्स पहन, शूज पहन, कितना शूज पहन यार, स्लीपर पहन के जा रहे लॉन्डे इंजीनियरिंग कॉलेज यार, ठीक है। बिल्कुल, शूज पहन प्रॉपर, ये जो बाल है उनको ले, जेल यूज कर थोड़े से, मतलब जितना अपन बकलोटी में 25 जगह पैसे खर्च कर रहे हैं ना, तो सही जगह पे पैसे खर्च कर, और उतना रख खुद को, सबसे पहले ग्रूमिंग रख, सेकेंड लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस ला, ये जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल स्किल्स डेड है ना उसको, और रैंडम लोगों से दोस्त बनना का सीख। मैं चलते फिर ट्रेन विन में बात कर लेता हूँ यार, मतलब अभी जैसे थोड़ा कोरोना फैलने के थोड़ा सा पहले, मतलब यार ये तो दुकानें बंद करा दी यार, ये लोग तो गलत कर रहे यार, ऐसा यार अभी बेचारे गरीबों का क्या होगा, एंड वो सामने वाला जानता नहीं मेरे को, मैंने आधा घंटे का कन्वर्सेशन कर लिया उसको, नहीं जानता मेरे को, और मैं भाई बैठ के बकलोटी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बकलोटी करना बहुत अच्छे से आता है। सामने वाले को भी ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि जो उनको सिर्फ प्लीज वो प्लीड करे, उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो, सिक्योर हो, जिसको पता है कि क्या होना चाहिए, तो वो ना वैसे लोगों से अट्रैक्टेड होंगे ना, रहते थे अरे ये मिली तो मेरी दुनिया बदल जाएगी, नहीं होता यार, वो भी ऐसे ढूंढ रहे कि मेरी दुनिया बदले। हाँ सही बात है, सही बात, ये सही बात है, ये भी सही बात है। तो अभी इसी के साथ भैया थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और सवाल है, वो ये है कि अभी तक तो बहुत सारे लाखों कमेंट्स आए होंगे अलग अलग वीडियोस पे सुमेर भाई आपको, लेकिन वो एक अब तक का कौन सा ऐसा एक कमेंट है जो एकदम दिल को छू गया, ऐसा लगा यार यू नो यू फेल्ट प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग बाय रीडिंग दैट कमेंट, ऐसा एक कौन सा वो कमेंट था? अच्छा एक अभी का अभी मेरे को कमेंट याद नहीं, नहीं मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना कि अभी एक दिमाग में होगा कि नहीं यार ये तो मतलब इट इज समथिंग ग्रेट, कि मैंने कुछ तो बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसा उस कमेंट को पढ़ के आपको ऐसा लगा होगा? वो ना लाइक मेरे को मेरे मचाओ चैनल पे वो चीज है, ठीक है, मेरा दूसरा चैनल है बीट बॉक्सिंग। हां हां बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिखाता ही हूं, मैंने कैसा ना कि मैंने मचाओ की शुरू किया था, उसका एक छोटा सा बताता हूं, लाइक मैं स्कूल टाइम ना मेरे को कोई भी टपली मार के चला जाता, अपन ना वो बहुत ऐसी जगह से आया ना कि आज जो सुमेर है और वो टाइम का सुमेर था ना वो बहुत अलग, और वो जिद की वजह से कि नहीं अपने साथ क्यों नहीं हो रहा है सब, अपने को क्यों नहीं मिल रही, और जिद की वजह से मैं बहुत बहुत ना बहुत खुद के लिमिट्स को पुश किया, खुद की चादर को बहुत बढ़ाने की कोशिश की है मैंने, तो ना उस टाइम ना
कोई भी टपली मार के जाता था और अपन बोल नहीं पाते थे क्योंकि एक तो हाइट बॉडी भी नहीं थी और वो एकदम बच्चा सा था। देखे तो मैंने आपके फोटो देखे इंस्टा पे, फोटो देखे मैंने बिना दाढ़ी के, तो मतलब आप अभी 20-18 के लगोगे भाई, अच्छा दाढ़ी रखते हो। तो ना उस टाइम तो यार मैंने कुछ तो करना पड़ेगा, ये वाली जिंदगी तो नहीं चाहिए। तो ना मैंने हिप हॉप शुरू किया, डांस करना शुरू किया, तो ना इज्जत मिलने लग गई। हिप हॉप एक ऐसी चीज़ है, डरता नहीं है वो गुस्से को, एकदम शेर बना देता है आपको, अपने आप कूल बना देता है। तो वहाँ पे फिर टपली मारना बंद हो गया। तो फिर मैंने बीट बॉक्सिंग सिखाना इसलिए शुरू किया कि जब वो बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा उसमें, वो कूल बनेगा, और जब वो खुद के एक्सप्रेस कर पाएगा ना, तो वो टपली मारना बंद हो जाएंगे लोगों का। तो लोग बीट बॉक्सिंग अपने स्कूल में करने लगे, और लाइक वो जो अप्रिसिएशन उनको आया ना कि यार आज मैं खुद को कॉन्फिडेंस और प्राउड फील करता हूँ, तो वो जो कमेंट्स आते हैं और वो लोगों की बातें होती है ना, तो वो जो स्कूल के बच्चों तक यार मेरे को रीच करना था, वो सुमेर तक पहुँचना था मेरे को अपने वीडियोज के। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो वहां पे पहुंच जाता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और वो जो हाइप थी ना मेरे को, अगर LMT की हाइप, तो रात के 3:30 बजे मैं फाइनल ईयर की बात है, कल एग्जाम है, और सब लोग 3:30 बजे रुके कि सुमेर का वीडियो आएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट अल्फा बीटा का सुमेर का वीडियो आएगा। और सुमेर का वीडियो आया और वो टॉप सब मतलब वही देख के आया और एग्जाम में पास पड़ गया है। तो वो वाली एक जो अमेजिंग फीलिंग थी ना यार, कि वो 3:30 बजे भी लोग रुके हुए। यस यस यस, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फीलिंग है। और एक अंतिम सवाल जो इस पॉडकास्ट का मैं आपसे पूछ सकता हूँ सुमेर भाई, क्योंकि आप जो हो भैया एक भाई की तरह, आपने फॉलो किया है 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पे क्या चल रही है गतिविधियाँ, ये आपने देखी है, आपको भी समझ में आते, तो इसलिए ये सवाल तो आपसे पूछना बनता है कि आप 5 मिनट्स इंजीनियरिंग इस चैनल के बारे में क्या विचार रखते हो, क्या सोचते हो, इसके काम को कैसे देखते हो? नहीं, काम तो बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं। एक जो अभी मैंने अपने लाइफ में सीखा ना, वो मैं तेरे को एडवाइस देना चाहता हूँ कि वीडियो बनाना कभी बंद मत करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना कैसा ना, तू एग्जीक्यूटिव लेवल पे चला जाएगा भाई, समझ रहे? तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे देखो लोगों को मैनेज है। मैंने ना एक गलती की कि पिछले एक साल में ना मैंने वीडियो बनाने कम कर दिए। हाँ, यहाँ पे टीम आई, वेबसाइट आई और इतनी सारी चीजों में ना, कि मैं बहुत, क्योंकि नया चीज सीख रहा था, एक नया दुनिया में मैंने कदम रखा था। अब तक अपन यूट्यूबर तेरे, अब अभी एंटरप्रेन्योरशिप में गए तो वहाँ पे भी मेरे को समझना पड़ा कि अच्छा क्या चीज़ें ला सकते हैं। वो नई दुनिया थी, वो अपनी दुनिया नहीं थी। हाँ। तो ये दुनिया में भी गए तो समझा यही कि यार ये सब सही है, वीडियो बनाने पे चले जाओ। यही समझ रहे हो? तो अपना जो कोर है ना, उसको कभी मत जाने देना, पर धीरे धीरे आपको भी लोग लाने पड़ेंगे। और जब लोग लाओगे तो लोग जाएंगे भी वापस, तो वो नॉर्मल है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं, शायद अगर आपने एक दो बार कोशिश भी की होगी, समझ रहे हो, और कुछ लोग चले भी गए होंगे, तो वो बहुत नॉर्मल है। पर अपना ये कोशिश रहना चाहिए कि अगर कोई मेरे साथ जुड़ा है ना, तो कुछ सीख के जाए। यस यस यस, कल जाके ना श्रीधर, मैं एक बात बताता हूँ, मेरे यहाँ पे 8 लोग हम लोग मिलकर काम। अच्छा। हर बंदे को मैंने इतना शूटर बनाया है ना, कि कल जाके खुदा ना खालसा LMT बंद हो गई, खुदा ना खालसा, तो वो हर इंसान अपना देख ले। अच्छा। मेरा हमेशा मैंने उनको इस तरह से रेडी किया है कि बाहर दुनिया, क्योंकि बाहर की दुनिया अपन जानते हैं। बढ़िया। तो मेरे को उनको इतना रेडी करना है कि आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, तुम्हें ये आना चाहिए, तुम्हें ये आना चाहिए, समझ रहे हो? तो मैं उनको तैयार इसलिए मेरे को मालूम है, ये लोग सब नहीं, देखो हर इंसान लंबा नहीं चलने वाला आपके साथ, और ये नॉर्मल है। तो आप उसको तैयार तो ऐसा करो ना कि आप जब वापस आवाज दो तो वो वापस भी आ जाए, और नहीं भी आएगा ना तो यार वो आपको तो याद करेगा, और अपने एक बंदे के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो आपको लोग नए लाने पड़ेंगे आपके साथ, क्योंकि वो ही है ना कि अपने को अपना वही गए धीरे धीरे एक कंपनी बनानी पड़ेगी। अच्छा। और वो भी आप बहुत अच्छे से बना पाओ, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी कि अरे खत्म, अभी तो क्या करूँगा, ऐसे मोमेंट आ जाएंगे कि मैं सब कुछ बर्बाद हो गया, तो वापस उठना है। ये तो लोनली पाथ, बट यू हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी भाई, समझ आएगा। वो रास्ता भी अपन नहीं चुना है। हाँ, वो रास्ता भी अपन नहीं चुना है। हाँ, तो वो चलना तो पड़ेगा। अपन नहीं चुना है, कंप्लेन नहीं कर सकते अपन। बराबर है। ये लव मैरिज की तरह है। लव मैरिज की तरह है।
सही सही पॉइंट है, बहुत सही पॉइंट है, बहुत सही पॉइंट था भाई। तो भाई थैंक यू यार, आप मैंने आपको बुलाया, आप आ गए बहुत जल्दी, और पॉडकास्ट भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से शूट किया। एंड जो भी बातें आज इस पॉडकास्ट में हुई है, आई एम डेफिनेटली श्योर, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की भैया आधे से ज़्यादा समस्याओं के तो उत्तर हमें यहीं मिल गए। तो वो तो बहुत बड़ी जो मदद है उन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की हो गई है, और उसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू सुमेर भाई, जो आपने टाइम दिया और पॉडकास्ट में आया, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट।